पंजाब कांग्रेस के बाद अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस में बवाल उठा है। कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स ने जो है वो पार्टी हाईकमान को पार्टी पोस्ट से जो है वो रिजाइन दिया है और डिमांड की है कि जो JKPCC चीफ है उसको चेंज किया जाए। क्या ये पूरा मसला है, इसके बात करने के लिए हमारे साथ है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम मोहम्मद सुरूड़ी, जो कि एक्स मिनिस्टर भी है और आज़ाद साहब के लॉयलिस्ट भी माने जाते हैं। सुरूड़ी साहब, क्या मसला है और क्या लेटर है वो और क्या डिमांड? कोई बवाल की ऐसी बात नहीं है जो आपने बताया, ऐसा कोई मसला नहीं है। पार्टी के अंदरूनी मसले होते हैं, क्योंकि 3 साल एक प्रेसिडेंट जो है PCC का होता है, अब 7 साल उसको हो गए। पहला जो था उसको 11 साल हुए थे। हमने ऑर्गेनाइजेशन में कहा कि चेंज होनी चाहिए, इसलिए उधमपुर, जम्मू, कठुआ और चनाब वैली, पंजाब के बहुत सारे कांग्रेस के अहदेदार हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन अपनी हाईकमान को भेजा है। हमने गुजारिश की है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जिस लेवल पे कमियां हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर अंदर की लिहाजा ये कोई ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमें कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई ग्रुपिज्म है या जैसे लोग पेश करते हैं कि ये लाई लिस्ट उसकी है उसकी नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि जैसे आपने देखा कि लाखों लोग आज ठाठरी में और कल बानहाल में आज़ाद साहब के जलसों में थे, लोगों की डिमांड है कि आज़ाद साहब को सारे ओहदे दिए जाएं जैसे 2002 में उनको दिए गए थे। अगर पार्टी हाईकमांड ने बात नहीं मानी तो क्या आप पार्टी छोड़ेंगे? अपने क्यों छोड़ेंगे? हम पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने 40 साल से इस पार्टी को अपने खून से सींचा है, हमने मिल्टन टू के एक जख्म खाए हैं, हमने मुसीबतें उठाई हैं, हमने परेशानी उठाई है, हमने ये झंडा अपने हाथ में उठाया। मगर जहाँ तक ताल्लुक है कि ऑर्गेनाइजेशन की चेंज करना लाजमी है, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट करने के बाद हमने अपनी पोस्ट से रिजिग्नेशन दिया है। वो हाईकमांड को पेश किया, वो क्या फैसला करते हैं। अगर 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 सोनिया जी या राहुल जी या प्रियंका जी, जो इस वक्त 3 गांधी फैमिली के कान हैं जिनके हाथ में कांग्रेस है, अगर वो नहीं मानते हैं तो अगला डिसीजन क्या होगा? आप कहते हैं वो नहीं मानते हैं, वो हम एक परिवार हैं, हमारे वो लीडर हैं, हमारे वो सरबरा है, हम उनसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमने हमारा इलेक्शन जो है आने वाले कुछ महीनों के बाद है, जिसके ताकि हम चाहते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में हम हुकूमत बनाएं और गुलाम नबी आज़ाद को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाएं, उसके लिए डिस्कशन होगी और पॉजिटिव डिस्कशन होगी और उसूलों की बुनियाद पे होगी और प्रिंसिपल मद्नज़र रखते हुए, उसूलों को मद्नज़र रखते हुए हम उनसे डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा और पार्टी दिन ब दिन जैसे मजबूत हो रही है, इससे भी दिन दुगनी चार दुगनी मजबूत हो जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू।